नमस्कार, मैं हूँ मंगल। वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड क्रम्ब। एकदम आसान रेसिपी है और हम घर बाहर से लेके आते हैं ब्रेड क्रम्ब। इससे अच्छा है हम घर में बनाएं और वो इस्तेमाल करें। तो आइए, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए हम देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप मैं जो हर वेनसडे और फ्राइडे को मंगल की रेसिपी में यूट्यूब पर अपनी नई नई रेसिपी अपलोड करती हूँ वो आप देख पाएंगे, और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। और ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमने ब्रेड स्लाइस लिए है। हमने मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी पैन पे थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसका क्रम्स बनाएंगे। ये हमें कटलेट के लिए यूज़ हो सकते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं ये। कटलेट में होते हैं यूज़, हम अगर कुछ फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी कॉर्नफ्लोर में डिप करके ब्रेड क्रम्स में इसे कोट करके हम फ्राई कर सकते हैं। नगेट्स, जो सोया नगेट्स है, या हमारे पोटैटो, स्पाइसी पोटैटो नगेट्स है, वो भी बना सकते हैं हम इसमें। और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है ये। आइए बनाते हैं हम इसे। हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, और इसके लिए हमने पैन गरम करने के लिए रखा है। स्लो फ्लेम पे हम इसे गरम करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी काला नहीं करना है, थोड़ा सा सिर्फ वो कड़क होना चाहिए, थोड़ा सा कलर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे इसका। आसानी से ब्रेड क्रम्स हमारे घर में बनते हैं। और हम बाहर से जो लाते हैं वो कई दिनों के रहते हैं और तो वो हाइजीनिक नहीं रहते, तो हम इस तरह से बनाएंगे तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे हैं वो। फ्रेश ब्रेड क्रम्स हमेशा हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे गरम कर लेंगे हम। ये इस तरह से और भी कर लेते हैं। तो ब्रेड स्लाइस हमारे ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हम तोड़ेंगे। हम मिक्सी में डाल के हम बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। तैयार है हमारा ब्रेड क्रम्स। ये थोड़े सॉफ्ट है, इसे हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा कड़क बनाएंगे इसे। हमने पैन गरम करने के लिए रखा है और इसमें डालेंगे ये क्रम्स। एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे गरम करेंगे।
अच्छे गर्म हो चुके हैं हमारे, गैस ऑफ कर लेंगे हम। फिर इसे ठंडा होने के बाद फिर से एक बार हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, ताकि जो हम बाज़ार से जो फाइन ब्रेड क्रम्स लाते हैं वो टेक्सचर आ जाएगा हमें। ब्रेड क्रम्स हमारे ठंडे हो चुके हैं, फिर से मिक्सी में इन्हें ग्राइंड करेंगे। इसका एकदम अच्छे से क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे जैसे बाज़ार में हमें मिलते हैं। ग्राइंड कर लेते हैं इसे। तैयार है हमारे ब्रेड क्रम्स, हमने फिर से एक बार ग्राइंड कर लिए इन्हें और एकदम अच्छे ब्रेड क्रम्स बने हैं हमारे। अभी ज़रूर बना के देखिए, ज़रूर पसंद आएंगे। और अब बाहर से लाने के हम लाते हैं, इसके बजाय हम घर में बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। और हमारे हम जो बच्चों को जो खाना बना के देते हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए, तो वो उसकी वजह से ब्रेड क्रम्स हम घर में बनाएं और उसमें स्टार्टर्स कोई भी बना के हम देंगे तो बहुत पसंद आएंगे सबको और बहुत हाइजीनिक हो जाएंगे। तैयार है हमारे ब्रेड क्रम्स, एकदम आसान है, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, ज़रूर पसंद आएंगे आप। और आपके अनुभव ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, बना के बनाइए आप घर में ब्रेड क्रम्स और मुझे ज़रूर बताइए। अब तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल है उसे क्लिक करेंगे तो मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरा रेसिपी को लाइक भी दीजिए और मेरी रेसिपी शेयर भी ज़रूर कीजिए और यही सपोर्ट करते रहिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।